कर लिए ऑन ऑफ वाला, खुद से करके देख लिया अपने हाथ से। अच्छा, वापस आ जाते हैं हम आर्टिकल में अब। और हमने जो अभी तक स्टेट पढ़ी है ना, वो हमने पढ़ी है, असल में वेरिएबल होते हैं दो तरह के, सही है। जैसे हमने शुरू में जो डिस्कस भी किया था जब जावास्क्रिप्ट हम पढ़ रहे थे, उस वक्त हमने जब ऑब्जेक्ट और एरे को डिस्कस किया था, तो उस वक्त हमने देखा था कि वेरिएबल एक तो होते हैं प्रिमिटिव वेरिएबल्स, या नेटिव वेरिएबल कहते हैं उसको, और दूसरे कौन से होते हैं, नॉन प्रिमिटिव, सही है, या उसको कंस्ट्रक्ट भी कह सकते हैं हम, क्योंकि वो वेरिएबल ओरिजिनली लैंग्वेज का पार्ट नहीं होते, बट उसमें अलग से ऐड किए गए होते हैं, सही है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट ऑन द टॉप ऑफ सी लैंग्वेज बनी भी है, तो सी के अंदर जो नेटिव होते हैं वो यही होते हैं, नंबर, बूलियन और स्ट्रिंग, ठीक है। उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट शॉब्जेक्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। एरे भी उसमें जो होता है वो बहुत ही मुख्तलिफ होता है इस वाले से, सही है। जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरे है वो असल में एरे नहीं है, वो एरे, लिंक लिस्ट, क्यू, वो सबको मिक्स करके एक मंजन तैयार किया है, उसका नाम इन्होंने एरे रख दिया है, ठीक है। एरे हालांकि इस तरह का नहीं होता है, एरे में सिर्फ पुश और पॉप का मेथड चलता है, कोई और मेथड नहीं चलता। इसके अंदर जो शिफ्ट एंड शिफ्ट भी चल जाता है शुरू वाला, ये एरे का के अंदर नहीं होता ये, ठीक है। ये दूसरे में होता है, ये लिंक लिस्ट में होता है। और क्या कहते हैं, दरमियान से जो हम इसको एडिट कर लेते हैं एरे को, सही है। जो एक्चुअल एरे का जो कॉन्सेप्ट है, जो एरे का उसको क्या बोलेंगे हम, जो डेटा स्ट्रक्चर है एरे का, वो ये कहता है कि यार एरे दरमियान से एडिट नहीं होगा, लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर जो एरे है वो दरमियान से भी एडिट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जिसमें एरे जो है वो प्योर एरे होता है जिसके अंदर, उसमें ऐसा नहीं है कि दरमियान से एडिट कर नहीं सकते आप, जुगाड़ उसमें भी मौजूद है, दरमियान से एडिट हो जाता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ज़रा उन्होंने बोला यार एक काम करते हैं, मेथड ही दे देते हैं इसका, लोग जुगाड़ तो करेंगे ही अल्टीमेटली, तो वो मेथड दे देते हैं, सही है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे हुई हुई है। तो हमने क्या देखा कि वेरिएबल जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रिमिटिव होता है, एक नॉन प्रिमिटिव होता है। तो दोनों को जब हम स्टेट में स्टोर कराते हैं ना, तो वो ज़रा मुख्तलिफ है, जाहिर है उसका बिहेवियर। जैसा कि वेरिएबल, जब सिंपल वेरिएबल में भी जब हम प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव को स्टोर कराते हैं या एक से दूसरे में कॉपी करते हैं, तो उसका बिहेवियर चेंज है प्रिमिटिव वेरिएबल से। यानी कि नंबर को अगर हम एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में डालते हैं, तो वो बाई वैल्यू कॉपी होता है, यानी वो वैल्यू उठ के जाती है उसके अंदर, और उन आपस में इंडिपेंडेंट रहते हैं वो दोनों वेरिएबल, आपस में कोई उसका कनेक्शन नहीं बनता। हालांकि ऑब्जेक्ट और एरे जो होते हैं उसमें क्या होता है कि जब हम एक वेरिएबल में स्टोर हुआ हुआ ऑब्जेक्ट दूसरे में डालते हैं उठा के, तो वो असल में उसका रेफरेंस चला जाता है और वैल्यू एक ही रहती है, रैम के अंदर वैल्यू डुप्लीकेट नहीं होती, रैम के अंदर एक ही वैल्यू होती है और दोनों के अंदर उसका एड्रेस चला जाता है, दोनों के अंदर उसका रेफरेंस चला जाता है। तो इसी तरीके से जब हम स्टेट में भी इन दोनों को स्टोर कराएंगे ना, तो कहीं ना कहीं इसके बिहेवियर में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा थोड़ा एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बिहेवियर होगा। अच्छा, तो ये योर टर्न वाला जो काम है ना, इसमें जो ये ऑन ऑफ इसने बोला है कि भाई बटन प्रेस करें तो ऑन ऑफ हो जाए और स्क्रीन पे दिख भी जाए और बटन पे भी लिखा हुआ आ जाए, ये सारे काम हमने निपटा दिए थे। अच्छा, अब ज़रा हम ये सेकंड वाला करते हैं काम, इसको कंप्लीट करके, और फिर हम ये तो प्रिमिटिव हमारा हो गया ये वाला, सही है। प्रिमिटिव में एक हमने बूलियन देख लिया ऑन ऑफ के अंदर, इसके अंदर हम देख लेंगे नंबर, सही है। और फिर जो है ना, हम ये तीनों करके फिर हम ऑब्जेक्ट और एरे वाला भी देख लेंगे। आ जाते हैं जी, हम एक काम करते हैं, एक बटन बनाते हैं, सही है। एक 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 नंबर स्टेट बनाते हैं, उसके अंदर शुरू में लिखा होगा 72 या 22, अगर मैं फॉरेन हाइट में बना रहा हूँ तो 72 और अदरवाइज 22 लिखा होगा उसमें। और मैं क्या करूँगा, उसको जो है एक तरफ उसके प्लस का बटन बनाऊँगा, एक तरफ उसके माइनस का बटन बनाऊँगा, और बटन के क्लिक पे वो चेंज होना चाहिए, सही है। बहुत ही आसान सा काम है ये, इसको मैं कह देता हूँ कि जी टेम्प, सही है जी। मैंने कह दिया टेम्प और सेट टेम्प कह दिया मैंने, ये मसला सेट हो गया, बेहतरीन हो गया, ज़बरदस्त हो गया। इसके नाम के साथ मैंने इज़ लगाया था क्योंकि ये बूलियन था, इसके नाम के साथ मैं इज़ नहीं लगाऊंगा। अच्छा, शुरू में इसमें वैल्यू मुझे ट्रू देने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसके अंदर शुरू में दे देता हूँ 72, सही है। ये इन्होंने एज अ टास्क दिया है, बोला है 72 रखना है, वैसे मैं कुछ भी रख सकता हूँ, इट डजेंट मैटर। अच्छा, ये मेरा एक डिव है जिसके अंदर ये एक पैराग्राफ और एक बटन पहले से मौजूद है, ठीक है। और इसके नीचे मैं बिल्कुल अब क्या करता हूँ, लाइन को चेंज करता हूँ, BR लगा के,
सही है, लाइन को चेंज कर दिया मैंने। और उसके बाद क्या करता हूँ मैं, एक पैराग्राफ और लगाता हूँ यहाँ पे। सही है, और इस पैराग्राफ के अंदर जो टेम्प है उसको डिस्प्ले करवा देता हूँ। और इसके लेफ्ट साइड पे एक बटन और राइट साइड पे एक बटन मैं दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, बटन मोर और लेस ऐसा ही होगा जैसा हमने पहले बनाया था, लेकिन चलो बना लेते हैं इसको दोबारा। बटन, ठीक है, एक बटन इस तरफ और दूसरा बटन इसके इस तरफ। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ माइनस में भी। सही है, क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो माइनस। सही है, या माइनस का इसमें मैं वो बना देता हूँ, आइकन बना दे, वो क्या कहते हैं उसको, सिंबल बना देता हूँ। ठीक है, और एक तरफ मैं प्लस का सिंबल बना देता हूँ। अच्छा, अब इसको ज़रा देख लेते हैं स्क्रीन पे ये कैसा दिख रहा है फ़िलहाल के लिए। सी डी, ये कौन सा था हमारे पास, 05, एंटर, सी डी टैब, 3 डॉट टैब, एंटर। सही है जी, और ये स्टेटफुल कंपोनेंट के हम इस प्रोजेक्ट के अंदर आ गए। ठीक है, हम इस प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे आ चुके हैं और हम इस प्रोजेक्ट के रूट पे मौजूद हैं इस वक्त, जहाँ पे पैकेज डॉट जेसन की फाइल है। हमने ये मेक श्योर करना है कि जब भी हम npm स्टार्ट चलाएं रिएक्ट के प्रोजेक्ट में, तो हम उस लेवल पर हों जिस लेवल पे पैकेज डॉट जेसन की फाइल रखी हुई है, अदरवाइज़ उसको पता नहीं लगता है। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या हो चुका है, एक UI काइंड ऑफ एक तैयार हो चुकी है, लेकिन इसके क्लिक पे अभी तक हमने कोई काम नहीं करवाया है। सही है जी, हाँ, ये वार्निंग, हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे ना जैसे ही, तो वो ख़त्म हो जाएगी। हमने नया प्रोजेक्ट अभी तक नहीं बनाया, हमने वो जो हेलो वर्ल्ड किया था ना उसी को कंटिन्यू लेके चल रहे थे। तो जब हम नया प्रोजेक्ट बनाएंगे ख़त्म हो जाएगी। असल में वो रिएक्ट डॉट रेंडर वाली लाइन ना थोड़ी सी चेंज की है उन्होंने, तो उसका है, उसकी वार्निंग दे रहे हैं ये। अच्छा, प्लस माइनस से अभी इसमें फ़िलहाल कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा, प्लस माइनस के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं या तो यहीं पर ऑन क्लिक पर एक इसको फंक्शन बना दूँ ऐसे करके, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं फ़िलहाल टू कीप इट सिंपल मैं इसके लिए अलग फंक्शन बनाऊंगा, एक का नाम रखूंगा मैं ऐड, और इसी तरह का मैं एक फंक्शन इस वाले पे लगाऊंगा, इसका नाम रखूंगा मैं सब। सही है, ओ हाँ, इसमें सब होगा, उसमें ऐड होगा, यस दैट इज़ करेक्ट। सही है, इसको ज़रा लाइन ब्रेक कर रहा हूँ ताकि ये रीडेबल हो जाए कोड हमारा। ठीक है जी, ये मैंने लाइन ब्रेक कर दिया, लेकिन स्क्रीन पे मुझे अभी भी ये सिंगल लाइन में ही नज़र आएगा ऑब्वियसली। ठीक हो गया जी, अब ये सब और ऐड के नाम का फंक्शन मैं बनाऊंगा ऊपर, और टेम्प मेरा ऑलरेडी डिस्प्ले हो चुका है, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है अब। अच्छा, एक काम करना चाह रहा हूँ मैं, कि इस वाले को ना बूलियन वाले को मैं कट करके ज़रा नीचे ले जाना चाह रहा हूँ, ताकि मुझे ना ये एक साथ दिखे दोनों का दोनों कोड ना। सही है, मैंने क्या किया, ये टेम्प वाले को ना ऊपर लेकर आ गया हूँ मैं, ताकि मैं यहीं से साथ साथ फंक्शन बनाऊँ ना, तो ये मुझे ज़्यादा अपनी स्क्रीन को स्क्रॉल ना करना पड़े। तो अब मेरी स्क्रीन पे ये कुछ इस तरह का दिखेगा, एक्चुअली वो दिखेगा नहीं क्योंकि वो फंक्शन नहीं बना हुआ ना, तो वो कंपाइल ही नहीं होने दे रहा। ठीक है, अदरवाइज़ मुझे ये क्या होना चाहिए, वेल चलो आ जाओ, पहले फंक्शन बना लेते हैं फिर देख लेंगे। अब यहाँ पर मैं बनाऊँगा कॉन्स्ट सब इक्वल्स टू, अच्छा ये वाला जो फंक्शन है ना मेरे पास, ये वाला फंक्शन अगर मैं कंपोनेंट से बाहर बनाऊंगा तो भी मुझे ये फंक्शन मिलेगा इसके अंदर। ठीक है, बट दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, इसको मैं कंपोनेंट से बाहर कभी भी नहीं बनाऊंगा। वो इसलिए नहीं बनाऊंगा मैं, अगेन वो लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुई थी ये बात, कि दिस कंपोनेंट इज़ अ रीयूजेबल बिट। तो अगर मैं इस कंपोनेंट को किसी और जगह लेके जाता हूँ कल को, तो वो इसका कंपोनेंट से बाहर कोई चीज़ होगी वो जाएगी नहीं। ठीक है, तो फंक्शन मेरे कंपोनेंट की प्योरिटी भी हर्ट होगी और वो रीयूजबिलिटी उसकी कहीं ना कहीं हर्ट हो जाएगी। तो मैंने जो भी फंक्शन बनाना है जो इस कंपोनेंट के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, वो या तो इसके अंदर मैंने बनाना है, ठीक है, और या तो इसमें इम्पोर्ट करना है मैंने। सही है, या तो मैंने, अगर किसी लाइब्रेरी के अंदर कोई फंक्शन है तो मैं क्या करूँगा, मैं उसको इम्पोर्ट करूँगा। ठीक है, तो इम्पोर्ट से क्या होता है कि अगर कोई इसको लेके जा रहा है ना कहीं और, तो उसको दिख जाता है कि अच्छा यार इसके साथ ये इम्पोर्ट भी लगा हुआ है, तो इस इम्पोर्ट के बगैर ये काम नहीं करेगा। अच्छा, एक मैंने सब का फंक्शन बना दिया और एक मैंने ऐड का फंक्शन बना दिया।
अब ये होपफुली मुझे दिख जाएगा। ठीक है, तो मैंने ये किया, ये प्लस माइनस वाले को टॉप पे ले आया और ये बूलियन वाले को नीचे लेके चला गया हूँ। बूलियन वाला स्किल काम कर रहा है अभी भी, जैसे हमने लास्ट इसको सेट किया था। अच्छा, अब इस जो ऐड और सब्ट्रैक्ट का फंक्शन है, इसके अंदर मैंने क्या करना है, इस टेम्प के अंदर जो भी वैल्यू इस वक्त मौजूद है इसको मैंने क्या कर देना है, एक माइनस कर देना है अगर मैं सब वाला कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सेट टेम्प, हाँ, और टेम्प माइनस वन। हाँ भाई सही है। या मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसको बोलूँ प्लस प्लस टेम्प। ठीक है, क्यों, ये जो टेम्प का जो टेम्प जो है ना, वैसे तो रीड ऑनली शुरू में बताया गया था कि रीड ऑनली है, लेकिन असल में ये रीड ऑनली है इस सेंस में कि इसमें कोई चेंजेस करने से स्क्रीन पे रेंडर नहीं होता और एक्चुअल वैल्यू पे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो टेम्प है ना, असल में ये मेरा लोकल वेरिएबल है। अगर आप इसको गौर से देखें ना, तो ये कॉन्स्ट करके बना हुआ, ये एक लोकल वेरिएबल है मेरा, तो इसमें मैं चेंजेस ऐसे कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मुझे शायद उसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें टेम्प में कोई भी चेंज करूँगा मैं, तो वो वक्ती तौर पर चेंज हो जाएगा और कॉन्सोल में दिखेगा मुझे वो, लेकिन जैसे ही मैं सेट टेम्प कॉल करूँगा तो वो दोबारा से अपनी जगह पर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं टेम्प प्लस वन करके इसको यहाँ पे टेम्प माइनस वन करके इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, यही काम मैं नीचे वाले में भी कर दूँगा, इसमें मैं लगा दूँगा प्लस। ठीक है जी, तो ये मेरे दो फंक्शन बन गए, ऐड और सब्ट्रैक्ट, और इसके अंदर क्या हो गया, ऐड और सब्ट्रैक्शन वाला काम मैंने कर दिया। रिफ्रेश करता हूँ अपने कोड को मैं, और प्लस दबाता हूँ तो ये प्लस हो जाता है, और प्लस दबाता हूँ तो ये प्लस हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये बिल्कुल परफेक्ट हो गया, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अच्छा, अब कौन ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पे रिएक्ट पहले से आती है, वो बताएगा मुझे इसके अंदर क्या इशू हो सकता है। नहीं, लेकिन वो मुझे इशू पड़ेगा कब, वो भी तो सवाल है ना। अच्छा चलो मैं आसान कर देता हूँ, अगर मैं ऐसे करूँ यूँ, तो इसको दो दफ़ा माइनस करना चाहिए अब। ठीक है, दो दफ़ा करना चाहिए ना इसको, तो देखते हैं क्या करता है ये। 72 प्लस किया 73 हुआ, प्लस किया 74 हुआ, दो नहीं हुआ, दोनों में लगा दिया मैंने, दोनों में लगा दिया। सही है, अब मैं इसको चार पांच दफ़ा भी लगा दूंगा ना, वो एक दफ़ा ही होगा। सही है, प्लस 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 प्लस, वो एक एक दफ़ा ही करके करेगा। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है ये, अब इशू अब पकड़ में आ गया ना। अब यहाँ पे आ गया एक इशू, यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, एक अदद इशू आ गया। तो इसका सॉल्यूशन तो मोस्ट प्रॉब्ली पता होगा जिन लोगों ने रिएक्ट थोड़ी सी पहले पढ़ी हुई है, इसका सॉल्यूशन तो मैं भी बताऊंगा और पता भी होगा आपको, लेकिन ऐसा हो रहा क्यों है ये कौन बताएगा मुझे, ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, एक दोस्त कह रहे हैं कि अगर एक दफ़ा सेट टेम्प कॉल होता है तो उसके नीचे अगर कोई सेट टेम्प लिखा हुआ है तो वो एक्चुअली जैसे ही ये वाली लाइन देखता है वो रीरेंडर कर देता है, जिसकी वजह से जो है वो जो दूसरे वाले हैं उसका इम्पैक्ट नहीं आता। ठीक है, चलो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर अगर मैं कॉन्सोल डॉट लॉग लगाता हूँ कोई, यहाँ पर अगर मैं कोई कॉन्सोल डॉट लॉग लगाता हूँ, तो ये कॉन्सोल डॉट लॉग, अगर तो इनकी बात सही है कि पहला रीरेंडर देखते ही वो ऊपर जाके पूरे कंपोनेंट को रीरेंडर कर देता है, तो ये कॉन्सोल नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसमें मैंने लिख दिया सब, देखते हैं, मुझे भी नहीं पता, मेरे लिए भी एक एक्सपेरिमेंट होगा ये, नहीं आया। अच्छा नहीं, प्लस तो दबाया ही नहीं ना अभी मैंने, इसमें प्लस में लगाया था माइनस में, हाँ माइनस में लगाया था, आ गया भाई, हो गया। इसका मतलब है कि उस लाइन को देखते ही वो रीरेंडर तो कर रहा है इस लाइन को देखते ही, लेकिन वो इतनी देर में कर रहा है कि ये तीनों लाइनें एग्जीक्यूट हो रही हैं और वो यहाँ तक पहुँच रहा है। हाँ भाई, और बंदे बताओ क्या रीज़न हो सकता है। टेम्प की वैल्यू सिर्फ चेंज कर रहा है, सेट टेम्प जो है ना, इसमें मतलब चेंजेस नहीं हुए, वो बार बार ऊपर से टेम्प भी उठा रहा है। सेट टेम्प की चेंज हो रही है, मगर टेम्प की तो वही रही ना, वो बार बार टेम्प की माइनस कर रहा है। अच्छा, दोस्त कह रहे हैं कि अगर मैं यहाँ पे जो टेम्प मुझे मिल रहा है, टेम्प को भी चलो कॉन्सोल करा के देख लेते हैं।
ठीक है, दोस्त कह रहे हैं कि ये सेट टाइम जब मैं कॉल करता हूँ ना, और ये एक दफ़ा दो दफ़ा तीन दफ़ा जब कॉल होता है, तो इन तीनों दफ़ाओं में जो मुझे टेम्प की वैल्यू है ना वो 72 ही मिलती है। सही है, तो 72 माइनस 1 71 हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं 71 सेट करा रहा हूँ, तो दरअसल मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तीनों में 71 ही सेट करा रहा हूँ, इस वजह से वो 71 सेट हो रहा है। ठीक है, तीनों दफ़ा में जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, तो असल में सेट टेम्प को तीनों दफ़ा में 71 मिल रहा है, क्योंकि तीनों दफ़ा में टेम्प जो है वो 72 है। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे भी टेम्प क्या मिलना चाहिए मुझे, 72 ही मिलना चाहिए। सही है, और ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक बताया दोस्त ने। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ, माइनस करता हूँ, 72 मिल रहा है मुझे। ठीक है, अब इसका क्या हल है? अच्छा, जस्ट मुझे अगर टेम्प की वैल्यू को चेंज कराना है ना अगर, तो मैं तो ये भी कर सकता हूँ, चलो कि मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं नॉर्मल वेरिएबल बना सकता हूँ, ऐसी चीज़ों को मैं नॉर्मल वेरिएबल में सेव करा सकता हूँ जो मैंने स्क्रीन पे नहीं दिखाना, तो ये मुझे फ़िलहाल स्क्रीन पे नहीं दिखाना, इसको मुझे यहीं पर लॉजिक किक बनानी है। तो मैं कह देता हूँ कि यार टी इक्वल्स टू टेम्प, मैंने इसको टी को सेपरेट कर लिया। ठीक है, और मैं क्या कहता हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि यार टी इक्वल्स टू टी माइनस वन, ये मैंने कह दिया। ठीक है, टी इक्वल टू टी माइनस वन कह दिया मैंने, और मैंने इसको यहाँ पे दे दिया टी। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे मिलेगा 71 पहली दफ़ा में, ये हो गया जी। उसके बाद मैं कहता हूँ टी इक्वल्स टू टी माइनस एक और वन, ठीक है, और यहाँ पे भी मैंने इसको टी दे दिया, तो अब यहाँ पे इसको क्या मिलेगा, 70 मिलेगा एक्चुअली। ठीक है, फिर मैंने कहा टी इक्वल्स टू टी माइनस वन, और अब इसको यहाँ पे क्या मिलेगा, अब इसको 69 मिलेगा। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम था मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ एक्चुअली। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में मैं अपने कोड को मुश्किल से मुश्किल बनाता जा रहा हूँ, लेकिन देखते हैं कि आया कि ये प्रॉब्लम इस तरह करने से सॉल्व होती है या नहीं होती। ठीक है, अच्छा आ जाओ, रिफ्रेश कर लिया मैंने, माइनस किया मैंने, एक ही दफ़ा में ये 69 हो गया। सही है, एक ही दफ़ा में ये क्या हो गया, 69 हो गया। लेकिन असल में देखो, जो मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, असल में मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं एक नॉर्मल वेरिएबल बना के ना उसको तीन दफ़ा माइनस कर रहा हूँ। तो अगर मैं इन तीनों को, मैं तीनों को अलग अलग करने के बजाय एक ही दफ़ा इसमें माइनस 3 कर दूं अगर, और इन तीनों को मैं हटा दूं अगर, तो भी मेरा मसला क्या हो जाएगा, हल हो जाएगा, है ना। ये एक ही दफ़ा मैंने 3 माइनस कर दिया। अच्छा, क्योंकि ये टेम्प मेरे पास लोकल वेरिएबल है ना, तो मुझे अलग से वेरिएबल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं बोलूँगा यहाँ पर कि टेम्प इक्वल्स टू टेम्प माइनस 3। ठीक है, टेम्प को ही मैं चेंज कर देता हूँ, मैंने माइनस 3 किया, और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसी टेम्प को मैंने अगेन यहाँ पे पास किया जब, तो ये मेरा मसला क्या हो गया, इससे भी हल हो गया। ठीक है, आ जाओ देखते हैं, रिफ्रेश किया मैंने, माइनस ये क्या हुआ इसमें। अच्छा, वो मैंने टेम्प को असल में कॉन्स्ट करके बनाया, इसको लेट कर देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए। सही है, इसको थोड़ी देर लैसे लेट होना नहीं चाहिए। ठीक है, और इसमें मैं चेंज इस तरह करता भी नहीं हूँ, लेकिन कर सकता हूँ, इम्पॉसिबल भी नहीं है ऐसा चेंज करना। मैं थोड़ी देर के लिए लेट कर रहा हूँ उसको, क्योंकि एक्चुअल सॉल्यूशन ये नहीं है, एक्चुअल सॉल्यूशन अभी मैं आगे बताऊँगा आपको। अच्छा, तो अब मैं माइनस करता हूँ, तो ये 69 अभी भी हो जाता है, तीन दफ़ा माइनस हो जाता है, तो मैंने माइनस 3 कर दिया। अब जो मैंने ये तीन दफ़ा सेट टेम्प लगाया हुआ, इसकी जगह मैं एक दफ़ा भी लगाऊंगा तो एक ही बात है ना, तीन दफ़ा लगाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, एक ही दफ़ा लगाऊंगा मैं, माइनस करता हूँ, 69 हो जाता है। सही है, तो वी आर अगेन डाउन टू, अब ये मैं अलग से ये वाली भी चीज़ क्यों लगा रहा हूँ, मैं यहीं पे माइनस 3 लगाऊंगा। सही है, यहीं पे मैंने माइनस 3, इसको वापस कॉन्स्ट भी कर सकता हूँ अब मैं, तो मैंने यहीं माइनस 3 लगा दिया, तो वो तीन दफ़ा हो गया माइनस। सही है, 69। तो लेकिन मेरा मसला वहीं का वहीं घूम के वापस आ गया। मेरा मसला एक्चुअल क्या था, मेरा मसला एक्चुअल ये था कि जब मैं ये सेट टेम्प कॉल करता था और स्टेट में एक वेरिएबल को मैं चेंज करता था, स्टेट वेरिएबल की वैल्यू को मैं चेंज करता था, तो उसकी अगली लाइन में ना मुझे वो चेंज हुआ हुआ नहीं मिलता। ये वाला लॉग अगर आप नोट कीजिएगा, अभी भी इसमें क्या आ रहा है, इसमें अभी भी वही आ रहा है। ठीक है, माइनस किया मैंने, इसमें 72 ही आ रहा है, अब माइनस कर रहा हूँ तो 69 आ रहा है।
ठीक है, यानी कि जब मैं स्टेट को चेंज करता हूँ इस लाइन के अंदर, तो इसकी अगली लाइन में मुझे वो वैल्यू चेंज हुई भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो मेरे पास अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें मैंने एक दफ़ा इस वैल्यू को चेंज करवाने के बाद, उसके बाद उसका स्टेटस लेना है मैंने, और उस स्टेटस के ऊपर कोई लॉजिक लगानी है मैंने, तो ये मैं कर ही नहीं सकता। मतलब ये चेंज कराने के बाद मैंने इधर कोई अगर इफ़ लगाना है उसको चेक करने के लिए, तो ये मैं काम कर ही नहीं सकता फिर। ठीक है, चलो ये -3 वाला काम तो मैंने करवा दिया, दूसरी साइड से आ गया मैं। ठीक है, मैंने कहा एक ही दफ़ा मैं -3 कर दूंगा, बजाय 3 दफ़ा लिखने के मैं एक दफ़ा ही कर दूंगा। ठीक है, या मुझे अगर ये काम करना है कि मेरे पास एक स्टेट वेरिएबल है जैसे कि टेम्प है, इसके अंदर कोई कंडीशन लगानी है या इसके अंदर कोई एसिंक्रोनस काम करना है, तो उस तरह की सिचुएशंस में भी क्या हो जाता है, ये वाला मेरे लिए प्रॉब्लम आ जाता है कि अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है। अब वो समझ लो ऐसा क्यों हो रहा है। देखो दोस्त ने तो एक बात बताई ना कि जब भी हम सेट टेम्प कॉल करते हैं तो ये, क्योंकि ये लाइन चलने के बाद अगली लाइन में टेम्प चेंज नहीं होता, तो तीनों में मुझे टेम्प क्या मिलेगा। इसको मैं माइनस वो 1 वाला कर देता हूँ ना, जो अगेन शुरू में जो सिचुएशन आई थी हमारे पास। तो तीनों में मुझे ये 72 मिलता है, जो कि इनिशियल वैल्यू है ना इसकी। जब पहली दफ़ा मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे 72 मिलता है, इसको -1 करके 71 ये सेट करा देता है, लेकिन अगली लाइन में भी अगेन मुझे ये 72 ही मिलता है। तो ये 72 से 71 कब होगा, ये होगा थोड़ी देर में। ठीक है, ये होगा थोड़ी देर में होगा। अच्छा, थोड़ी देर में का मतलब ये है कि इसका मतलब है ये जो मैं कॉल लगा रहा हूँ ना, दिस इज़ ए सिंक्रोनस कॉल। ये जो मैं कॉल लगा रहा हूँ सेट टेम्प, ये क्या है, ये एसिंक्रोनस कॉल है। जब ये फंक्शन चल जाएगा ना, तो ये टेम्प की वैल्यू थोड़ी देर में चेंज, यानी ये फंक्शन चलने के बाद अगर मैं इसके फ़ौरन बाद अगली लाइन में इस टेम्प की वैल्यू को प्रिंट करवाऊँगा तो वो चेंज नहीं होगी, लेकिन थोड़ी देर में वो चेंज भी हो जाएगी। अच्छा, स्क्रीन पे तो ये चीज़ फील नहीं होती, स्क्रीन पे ये चीज़ फील नहीं होती कि कुछ मेरे बटन दबने के, आओ यहाँ देखते हैं बटन दबने के कितने मिली सेकंड बाद चेंज होता है ये। सही है, जब मैं माइनस का बटन दबाता हूँ ना, तो इसके कुछ मिली सेकंड बाद ये स्क्रीन पे रेंडर होता है, री रेंडर होता है, लेकिन मुझे फील नहीं होता, क्योंकि वो इतना कम टाइम है कि ह्यूमन आई उसको नहीं डिफ्रेंशिएट करती इतने कम टाइम को। ठीक है, अच्छा कितना टाइम लेता है वो, ये भी एक सवाल है। नेक्स्ट टिक लेता है वो। अब नेक्स्ट टिक क्या चीज़ है, वो जावास्क्रिप्ट के अंदर एक चीज़ होती है, उसको हम कहते हैं इवेंट लूप। तो अगर किसी को ये इंटरेस्ट है इसके अंदर कि ये नेक्स्ट टिक क्या चीज़ होती है, तो वो इवेंट लूप को ज़रूर स्टडी करे। ठीक है, उसकी मैंने एक वीडियो लास्ट बताई थी, वो मैं अगेन बता देता हूँ। ये वाली वीडियो है, ठीक हो गया, सही है, ये वाली वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये नेक्स्ट टिक वाली बात पता लग जाएगी। वापस आ जाओ यहाँ पे, तो ये जो मैं कह रहा हूँ ना थोड़ी देर में चेंज होगा, ये असल में चेंज होगा नेक्स्ट टिक पे, यानी कि अगले साइकिल में चेंज होगा। जावास्क्रिप्ट जो साइकिल की सूरत में चल रहा होता है, तो ये अगले साइकिल में चेंज होगा। अगले साइकिल का मतलब पता है क्या है, कि इसको इस लाइन के बाद जितना भी कोड मिलेगा, जैसे कि ये लाइन, जैसे कि ये लाइन, जैसा कि ये कंसोल, ये सारी लाइनों को चला देगा, और जब ये सारी लाइन चला के फारिग हो जाएगा ना, फ्री हो जाएगा, तो फिर उसको जो है ना अगला काम करेगा, जो नेक्स्ट टिक जिसको हम कह रहे होते हैं। अब हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है कि ये लाइन चलाने के बाद हम कंसोल वो लगा दें सेट टाइम आउट, और मेरा बचा हुआ जो नीचे का कोड है उसको मैं क्या कर दूं, अब उसको डिले कर दूं थोड़ा सा सेट टाइम आउट के ज़रिए, ताकि मुझे ये जो है ना बना हुआ मिल जाए। लेकिन ऐसा करने से क्या होगा, क्या होगा ऐसा करने से बताओ। हाँ भाई, अगर मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने कोड को सेट टाइम आउट लगा के डिले कर दूँ नीचे वाले कोड को, तो इससे क्या नुकसान होगा मेरा, मेजर नुकसान मेरा क्या होगा। फिर भी वो बाद में ही चलेगा। अच्छा हाँ भाई, बात सब लोग सही कर रहे हैं मोर और लेस, लेकिन जो बात मैं सुनना चाह रहा हूँ ना वो नहीं की अभी तक किसी ने। असल में भाई तुम सब लोग अब टेक्निकल हो, तो मैं टेक्निकल बात सुनना चाह रहा हूँ। टेक्निकल टर्म इसके लिए एक इस्तेमाल होती है, जो ये अगर मैं ये हरकत करूँगा ना तो उससे जो नुकसान होगा, इसके लिए टेक्निकल टर्म इस्तेमाल होती है, वो मैं सुनना चाह रहा हूँ आप लोगों से, जिनको जावास्क्रिप्ट बहुत सारे लोगों को आती है यहाँ पे पहले से,
बहुत सारे लोग यहाँ पे बाकायदा जॉब्स कर रहे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं अभी? एक तो शहजाद है जॉब कर रहा है, और तुम भी कर रहे हो, फ्रंट एंड की कर रहे हो किस चीज़ की कर रहे हो? अच्छा मैनेजमेंट कर रहे हो, कोडिंग नहीं करते हाथ से? अच्छा कोडिंग करनी पड़ती है। कोडिंग तो भाई आज कोडिंग की फील्ड में कोडिंग सभी को करनी पड़ती है थोड़ी बहुत। दो ही बंदे हैं जो जॉब कर रहे हैं, तुम भी हो? चार पाँच टोटल तकरीबन 20 लोगों की क्लास है, उसमें 5 लोग हैं वो जो जॉब कर रहे हैं। अच्छा भाई ऐसा करने से ना मेरी स्केलेबिलिटी हर्ट होगी। स्केलेबिलिटी का अक्सर नाम सुना होगा, ठीक है, क्या होती है स्केलेबिलिटी? व्हाट डज इट मीन बाई स्केलेबल? हाँ भाई छोटे, स्केलेबल ऐप सुना है ना इसका? नहीं सुना ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? जितने भी ये कोर्सेज बेच रहे होते हैं सब सब ने लिखा होता है, बुक्स पे भी लिखा हुआ होता है कि बिल्डिंग स्केलेबल ऐप्स, स्केलेबल सर्वर, स्केलेबल फ्रंट एंड, ऐसा लिखा होता है सब लोगों ने। ज़्यादा यूज़र तो दैट इज़ कॉल्ड ट्रैफिक ना, कि ज़्यादा ट्रैफिक आ गई। नहीं नहीं स्केलेबिलिटी और ट्रैफिक तो दो अलग अलग चीज़ें हैं। स्केलेबिलिटी जो है वो मेरे मेरे सॉफ्टवेयर की एक क्वालिटी है स्केलेबिलिटी, और ट्रैफिक तो वो समझ लो एक उस जो मेरी मशीन की कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो करे कर रहा होगा ना। बात तुमने करीब करीब कर दी है लेकिन तुमने वो बात नहीं की जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। देखो अगर ट्रैफिक ज़्यादा आता है, तुम्हारी बात को काउंटर कर रहा हूँ मैं, कि जो मैं सुनना चाह रहा हूँ वो बात तुमने क्यों नहीं की? वो तुमने इसलिए नहीं की कि अगर एक सर्वर के ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा आता है और उसके अंदर मिसाल के तौर पर 32 GB रैम है और अच्छा बड़ा प्रोसेसर है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो रिसोर्सेज ओवरफ्लो कर जाएंगी, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो जो रिसोर्सेज हैं वो ओवरफ्लो कर जाएगी तो सर्वर क्रैश हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें चाहे वो ऐप स्केलेबल हो या नहीं हो, इट डजेंट मैटर, वो क्रैश करेगी एक अल्टीमेटली एक ज़्यादा ट्रैफिक एक सर्टेन पॉइंट पे आने के बाद। तो उस पॉइंट पे जाके फिर मुझे या तो मशीन डबल करूँ या तो मशीन अपग्रेड करूँ, इस तरह की कोई ना कोई चीज़ मुझे करनी पड़ेगी। तो ट्रैफिक ज़्यादा आना जो है ना, अगर ट्रैफिक ज़्यादा आने की सूरत में ऐप क्रैश होती है तो इसमें ऐप का कोई कसूर नहीं है। अच्छी से अच्छी ऐप भी होगी तो वो क्रैश हो जाएगी। क्यों? इट टोटली डिपेंड्स ऑन रिसोर्सेज। अगर रिसोर्स ओवरफ्लो करेगी तो वो क्रैश करेगी, हर हाल में करेगी। हाँ भाई व्हाट डज इट मीन बाई इसके? अच्छा गूगल भी कर सकते हो, मैं ये नहीं मतलब जो सब लोगों के सामने कंप्यूटर मौजूद है ना तो इसको गूगल भी कर सकते हो, गूगल करके भी बता सकते हो। सही है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग का सेशन है कि ताकि ये छोटी छोटी टर्म्स हैं इसके अंदर बड़ी बड़ी कहानियाँ छुपी हुई हैं। ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं ना इसके अंदर बड़ी बड़ी कहानियाँ छुपी हुई हैं, तो ये मैं इसलिए डिस्कस करता हूँ ताकि आपका ध्यान इधर दिला सकूँ। रिसर्च तो इंशाल्लाह फिर आप खुद ही करेंगे, यहाँ तो मैं सिर्फ 5 मिनट आपका ध्यान दिला रहा हूँ उस तरफ ना। ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं उसको, कि दिमाग में ना ऐसे खुरच के जैसे जैसे केक आता है ना कोई अच्छा अच्छा केक आ जाए कोई, तो फिर उसको खा आ गया ना उसकी फिर प्लेट भी बंदा चाट लेता है। तो ये ब्रेन स्ट्रोमिंग यही होता है कि आपके दिमाग का ना जो उसको जैसे केक की प्लेट को नहीं खुरच खुरच के भी निकाल लेते हैं केक, तो वो हो रहा है ये। हाँ भाई क्या बता रहे हो? हाँ हाँ नहीं मुझे ये बात ही समझ नहीं आई, किसी को समझ आई? रिपीट करो अपनी बात, मुझे समझ नहीं आई बात असल में। हाँ हाँ 500 कंपोनेंट्स भी हों तो वो चले सही? बात तुमने भी करीब करीब की है, ये भी होता है स्केलेबिलिटी जब हर्ट होती है ना तो ये चीज़ें भी होती हैं, लेकिन स्केलेबिलिटी का मतलब ये नहीं है। मेनली स्केलेबिलिटी का मतलब कुछ और है। करो करो गूगल करो, गूगल करो जल्दी से। वॉल्यूम क्या? वॉल्यूम क्या? वॉल्यूम इन ऑर्डर टू मीट द
ये वॉल्यूम क्या चीज़ है भाई, वॉल्यूम तो आवाज़ बढ़ाने को बोलते हैं हम लोग। उर्दू में एक्सप्लेन करो, सबको समझ आएगा तो मैं एक्सेप्ट करूँगा। ये तो मुझे भी नहीं आ रहा। ईजी टू एक्सपेंड हो सकता है बगैर किसी मेजर इशू के, नहीं तो इसमें ये तो नहीं लिखा। ये तो कहाँ बात आई कि सेट टाइम आउट लगाने से ये चीज़ हर्ट हो जाएगी? सेट टाइम आउट से उसका क्या ताल्लुक है बताओ? ईजी टू, ये असल में आपने वो वाली बात की है जो दोस्त कह रहे थे ना ट्रैफिक ज़्यादा वाली बात, आपने बात वही की है और बात भी आपने सही की है, लेकिन मेन जो क्या उसको कहते हैं हम, स्टाइल पकड़ में नहीं आया, स्टाइल पकड़ में नहीं आया। असल मतलब ये नहीं होता है स्केलेबिलिटी का। ये सारे उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आप लोग बता रहे हैं ना, जो गूगल पे आपको शायद वही दिख रहा है। ट्रैफिक में क्या बड़ो पढ़ो उसको क्या लिखा हुआ है? इसने भी बात तो सही की है लेकिन वो बात नहीं की जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। स्लो डाउन नहीं करे मतलब मिसाल दे के समझाओ। यूज़र एक्सपीरियंस तो हम सही करने के चक्कर में लगे हुए हैं कि जो चीज़ अपडेट नहीं हो रही उसको अपडेट करवा रहे हैं। तुम जो तुमने डेफिनेशन पढ़ी है वो तो पढ़ के बताओ, क्या पढ़ी है तुमने? नहीं, इसने वो बात नहीं की वो वाली। इसने भी जो बात की है ना वो असल में उसके फ़ायदे बताए हैं लेकिन ये नहीं बताया कि वो होता क्या है। इसने जो है ना उसके फ़ायदे बताए कि स्केलेबल ऐप होगी तो फ़ायदा क्या होगा, लेकिन ये नहीं बताया कि स्केलेबल ऐप क्या होती है। What does it mean by scalability in the first place? देखो यार, इंटरनेट भी ऐसा हो गया ना आजकल, गार्बेज इतना हो गया इंटरनेट पे, सही चीज़ ढूंढना भी एक अजाब है जी। जी शहजाद, समझ आई है बात आपको? नहीं नहीं हाँ नहीं नहीं ये नहीं, ये बात नहीं है। अच्छा चलो मैं समझाता हूँ। मेरा ओपिनियन जो है, मेरा ओपिनियन क्या, बुक्स में मैंने ये बात पढ़ी है और मेक सेंस भी है सबसे, क्योंकि बात का मेक सेंस होना पहले ज़रूरी है ना। देखो स्केलेबिलिटी जो होती है वो हम इसको कहते हैं कि आपका जो कोड हो ना वो ऐसा हो कि जब मैं प्रोसेसिंग पावर को बढ़ाऊं तो आपका कोड भी साथ साथ क्या हो, तेज़ हो। मिसाल के तौर पे अभी आपकी एक स्क्रिप्ट है, अगर वो चलती है 1.5 सेकंड में तो जब मैं प्रोसेसिंग पावर डबल कर दूं ना तो उसका टाइम रिड्यूस होना चाहिए। कितना भी रिड्यूस हो, मतलब 1.5 सेकंड से 1 पे आ जाए या 1.5 सेकंड से 1.3 सेकंड पे आ जाए, लेकिन जितना भी रिड्यूस हो लेकिन रिड्यूस होना ज़रूर चाहिए। अगर मैं प्रोसेसिंग पावर को डबल करूं, फिर मैं मज़ीद डबल करूं तो और तेज़ हो जाना चाहिए, फिर मज़ीद डबल करूं तो और तेज़ हो जाना चाहिए, ठीक है। एक पॉइंट आएगा कि वो 1.5 सेकंड के बजाय 100 मिली सेकंड में चल रहा होगा, यानी 1 सेकंड के 10वें हिस्से में चल रहा होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं स्केलेबिलिटी। अब देखो, अब होगा क्या, अगर मैंने सेट टाइम आउट लगा दिया 2 सेकंड का, या 2 सेकंड तो नहीं लगाऊंगा ना, 2 सेकंड ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन इमेजिन कर लो कि मैंने 2 सेकंड का कहीं लगा दिया कि ये कोड जो है वो 2 सेकंड बाद ही चलेगा, बटन के क्लिक होने के 2 सेकंड बाद ही चलेगा। अब प्रोसेसर जितना मर्जी तेज़ कर लो आप, वो 2 सेकंड से कम नहीं होगा, वो 2 सेकंड से कम नहीं होगा। अब आपके पास 1 लाख यूज़र आ गए तो वो 2 लाख सेकंड तक वेट करेंगे, और उस 2 लाख सेकंड के वेट को आप किसी भी तरह से कम नहीं कर सकते। आप जितनी मर्जी रिसोर्स बढ़ा लें, वो 2 लाख सेकंड गए तो गए, समझ रहे हो इसको? यानी उसको आप चाहोगे ना कि मैं प्रोसेसिंग पावर वाला एकदम स्नैपी हो जाए, जैसे नई मैकबुक खरीदते हैं ना जब, तो वो एकदम स्नैपी होती है, ऐसे यूं करो ना एकदम स्नैपी होती है वो। लेकिन थोड़े दिनों में इनका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, वो इंक्रीज करे जा रहे हैं हर चीज़ को, ये तो वो फिर उतना स्नैपी नहीं रहता है। उतना स्नैपी इसलिए नहीं रहता है क्योंकि उन्होंने वो ऐसी चीज़ें लगा दी होती हैं, ऐसी एनिमेशन जिसको मज़ीद प्रोसेसिंग पावर चाहिए, फिर वो नया वर्जन में हो जाता है वो, ठीक है। तो अगर लेकिन उनका कोड स्केलेबल नहीं होगा ना अगर, तो प्रोसेसिंग पावर बढ़ने से वो स्नैपी नहीं होगा,
कुछ ऐप्स आप नोट कीजिएगा, जैसे आईफोन के अंदर जो स्काइप की ऐप है, उसको भाई जितना मर्जी आप अच्छा प्रोसेसर दे दो, जो मर्जी दे दो आप उसको, वो एक थकावा ही चलता है। इवन एंड्रॉयड के अंदर भी आप चलाएंगे ना, एंड्रॉयड में तो इस वक्त इतने बड़े बड़े प्रोसेसर के फ़ोन आ गए हैं कि दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं था। सही है, 64 GB रैम और 128 GB रैम अब कॉमन हो गई है एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, जो मतलब मेरे लैपटॉप से 4 डबल 5 डबल प्रोसेसर उसके अंदर अब आ चुका है मोबाइल फ़ोन के अंदर। ठीक है, गेमिंग फ़ोन है वो, रेजर ब्लेड वगैरह के आप देखेंगे 64 GB रैम में देते हैं वो, उसका स्टार्ट ही वही है। फ़ैन वैन लगा के वो, पता नहीं एक एसूस वालों ने भी एक फ़ोन निकाला है, उसमें पीछे फ़ैन वैन लगाया हुआ है, हीट सिंक लगाई हुई है फ़ोन के पीछे। लेकिन उस फ़ोन में भी ना, अगर आप स्काइप की ऐप डालेंगे ना, वो ऐसे रो के उठती है, ऐसे यूँ होते हुए अंगड़ाई लेती है, अभी खलते हैं रुक जाओ। इसी तरह अपवर्क की जो ऐप है, अपवर्क की जो फ्रीलांस ऐप है ना, वो भी ऐसी थक के ऐसे उठती है, अंगड़ाई ले लेंगे। हालांकि नया फ़ोन है, बाकी सारी है, व्हाट्सएप ठक चल रहा होता है, स्नैप ही चल रहा होता है, लेकिन वो नहीं चलता। वो इसलिए नहीं चलता है कि समहाउ उनका कोड स्केलेबल नहीं है। अच्छा, स्केलेबिलिटी से जो ताल्लुक़ है ना, वो सिर्फ आपके कोड का ताल्लुक नहीं है, आप जो लाइब्रेरीज इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी कोई ऐसा कोड हो सकता है जो स्केल नहीं हो रहा हो। आप जो फ्रेमवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि रिएक्ट का फ्रेमवर्क, रिएक्ट वैसे यानी फ्रेमवर्क वाले क्लेम करते हैं, हर फ्रेमवर्क क्लेम करता है कि हमारा जो कोड है वो स्केलेबल है और अंदर ये ख्याल रखते हैं बाकायदा इन चीज़ों का, तो रिएक्ट वाले तो क्लेम करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आप कोई फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हो, उन्होंने कोई भंड मारा हो, तो उसकी वजह से भी स्केलेबिलिटी हर्ट होती है। ठीक है, कोई आप लाइब्रेरी, कोई सम टाइम आप कोई कोई ऐसा एक्सटेंशन वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं जिसकी वजह से भी स्केलेबिलिटी हर्ट होती है। ठीक है, नेटवर्क में भी सम टाइम कुछ ऐसी, क्योंकि स्केलेबिलिटी हर चीज़ में होती है, ये सिर्फ इस सॉफ्टवेयर के अंदर नहीं है, इवन जो आपका राउटर है ना, इवन जो आपका इंटरनेट कनेक्शन है उसके अंदर भी स्केलेबिलिटी मैटर करती है। अब वो लेकिन हमारा काम नहीं है, वो आपके ISP का काम है, जो इंटरनेट आपका प्रोवाइडर है उसका काम है, लेकिन हर चीज़ में स्केलेबिलिटी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मेरा सर्वर यहाँ पे रन हो रहा है और मेरे सर्वर पे ट्रैफिक आ रही है, 1 लाख यूज़र आ रहा है और मेरे पास इंटरनेट लगा हुआ है 1 GBPS, अब 1 GBPS को मैं अगर 2 GBPS करूँ तो उन सबका रिस्पॉन्स टाइम कम होना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट मैंने तेज़ कर लिया अपने सर्वर का। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्केलेबिलिटी मैटर करती है, स्केलेबिलिटी सॉफ्टवेयर के हर कॉर्नर पर, हर कट पर मैटर करेगी। यानी यूज़र ने बटन दबाया जिस फ्रंट एंड से, उसके लैपटॉप से, और वो निकली रिक्वेस्ट और वो राउटर पे गई, फिर ISP पे गई, फिर आगे वो जो भी जंक्शन होता है, पोर्ट होता है, जो बाहर निकली, फिर वहाँ से गूगल तक पहुँची। ठीक है, फिर गूगल ने रिस्पॉन्स किया और वापस आई। तो ये पूरे साइकिल में ना, हर एक एक नॉड के ऊपर स्केलेबिलिटी मैटर करती है। किसी भी एक नॉड पर अगर स्केलेबिलिटी हर्ट होगी तो पूरा कनेक्शन उसकी वजह से हर्ट होगा। ठीक है, यही वजह है कि ये अब बड़ी बड़ी कंपनीज़ क्या कर रही हैं, अपनी तार खुद बिछा रही हैं। इन्होंने बोला भाई हम अपनी तार खुद बिछाएंगे। ठीक है, नोकिया के फ़ोन का बिज़नेस तबाह हुआ तो उसने बोला यार अब हम बिछाएंगे तार, हम उस जगह पे कब्ज़ा करेंगे कि जहाँ से इन सब का हाईवे है ना, समझ लें एक तरह से, जो सबमरीन की जो केबल है, जो यूरोप से और अमेरिका से और पाकिस्तान से और ये UAE, इन सबको जोड़ रही है आपस में, तो वो असल में क्या है, वो डेटा का हाईवे है। जो रोड होते हैं, रोड से ट्रैफिक आती जाती है, इससे डेटा आता जाता है, डेटा की ट्रैफिक है। तो नोकिया ने जो है ना, वो सबसे अच्छी केबल नोकिया की थी उस वक्त जब उन्होंने बिछाई थी। तो अभी वो गूगल वगैरह ख़ुद भी कूद गए हैं इसके अंदर, उन्होंने बोला यार हम भी बिछाएंगे खुद की केबल। ठीक है, यही वजह है कि आप देखें जो आपका इंटरनेट का कनेक्शन है ना, बिल्कुल थका हुआ कनेक्शन भी होगा ना, अगर 1 MB का कनेक्शन, उसमें यूट्यूब चलेगा HD के अंदर। यूट्यूब की स्पीड जो है ना, पता नहीं 10 MB आ रही होती है इसमें आजकल, ये कॉमन हो गया बिल्कुल। आप जिस एरिया में भी रहते हैं ना कराची के, हर जगह पर उन्होंने इसको बोलते हैं 2+, तो 2 MB आएगा नॉर्मल वाले में, और प्लस के अंदर पता नहीं कितने 8-10 MB आते हैं। तो यूट्यूब ऐसा चलता है, फर चलता है ज़बरदस्त। तो वो यूट्यूब असल में दूसरी तार से लेकर आ रहा होता है कनेक्शन अपना, जो उन्होंने बोला यार इसमें भर दो जो भरना है। तो यूट्यूब आप देखें बिल्कुल परफेक्ट चलता है, नेटफ्लिक्स आप देखें बिल्कुल परफेक्ट चलता है। 2 MB का कनेक्शन होगा ना, नेटफ्लिक्स ऐसा चलेगा उसमें HD में फुल। कैसे चलता है वो अब समझ आ गया हमें, कैसे चलता है असल में, वो राउट अलग तरह से करा रहे होते हैं उसको। वेल, तो हमने ये देखा कि भाई स्केलेबिलिटी जो है वो हर्ट हो जाएगी अगर हमने सेट टाइम आउट लगाया। अच्छा, स्केलेबिलिटी के बारे में भी एक और बात बता दूं, एक होती है, अच्छा मेक सेंस है ये बात जो बताई है मैंने, वो 2 सेकंड से नीचे नहीं आएगा, जो मर्जी कर लो। और अल्टीमेटली क्या होगा, मेरे पास ज़्यादा यूज़र आ रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यार जो आपकी वाली बात, ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, तो ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है तो प्रोसेसर बढ़ाऊँ तो वो सही हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मेरी स्केलेबल नहीं है ऐप, तो एक सर्टेन पॉइंट तक मैं हार्डवेयर बढ़ाऊँगा ना,
उसके बाद मज़ीद स्केलेबल होगी नहीं मेरी ऐप। अब मैं मज़ीद हार्डवेयर बढ़ाता जाऊँ, वो हार्डवेयर यूज़ ही नहीं करेगा पूरा, वो 50% पे खड़ा रहेगा, और 50% पे खड़ा करके यूज़र को वेट भी करवाएगा, ये हिसाब किताब हो जाएगा। तो ज़्यादा ट्रैफिक का वो इसलिए हर कोई जिक्र कर रहा है। और एक बात किसने की थी, ज़्यादा ज़्यादा ट्रैफिक के अलावा एक और बात जो की थी, मैंने कहा था साइड इफ़ेक्ट है ये यूज़र बेस, हाँ वही ट्रैफिक वाली बात हो गई है ना। और एक बात और भी किसी ने की थी, टाइम वेट वाली कोई बात की थी किसी ने शायद। नहीं नहीं कि एक और भी किसी ने बात की थी कि वो टाइम बहुत लगाएगा अगर ज़्यादा यूज़र आ गया इस तरह की। वेल चलो, तो ये मेन बात पता लग गई अब आपको। अब ये मेन बात कि ना अब इतने सारे साइड इफ़ेक्ट हैं, वो सारे आप खुद सोच सकते हो आप, क्योंकि स्टाइल पकड़ में आ गया ना, तो अब आप खुद सोच सकते हो इसके जो भी पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, वो आप इस काबिल हो गए कि आप वो खुद सोचोगे अब आप। सही है, असल सीन था ये वाला। अच्छा, स्केलेबिलिटी भी होती है दो तरह की। जब जाहिर है मशीन मेरी ओवरफ्लो हो रही है, यूज़र मेरे पास इतने आ गए हैं कि अब ये मशीन पूरी हो गई है, तो अब दो तरह की स्केलेबिलिटी होती है। एक होती है वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब है कि इसके ऊपर ही मैं मज़ीद कुछ ना कुछ डालता जाऊँ, लगाता जाऊँ। यानी कि इसके अंदर अगर अभी 64 GB की रैम है, तो मैं उसको अपग्रेड करके 128 GB कर दूँ। सही है, या 64 GB की 4-5 रैम और डाल दूँ इसमें मैं। प्रोसेसर अगर मेरे पास लगा हुआ था मिसाल के तौर पर 2 GB का लगा हुआ था, सही है, इमेजिन कर लो, तो उसको मैं 4 GB कर दूँ या 10 GB कर दूँ। सही है, या मतलब 10-10 GB के 4-5 प्रोसेसर लगा दूँ, तो फिर क्या होगा, अगले शायद एक साल के लिए मैं तसल्ली हो जाए मुझे कि यार अगले एक साल तक जो है ना मुझे मज़ीद ये नहीं कर सकता मैं। लेकिन वर्टिकल स्केलेबिलिटी भी एक सर्टन पॉइंट तक होती है। वर्टिकल स्केलेबिलिटी भी क्या होती है, एक सर्टन पॉइंट तक होती है। एक पॉइंट पे आके आप वर्टिकल स्केलेबिलिटी नहीं कर सकते। वर्टिकल स्केलेबिलिटी आसान होती है, कोई भी सिस्टम को ऑफ किया, यूँ रैम निकाली, यूँ दूसरी रैम डाली, दोबारा ऑन कर दिया, इतना आसान होता है वर्टिकल स्केलेबिलिटी। लेकिन एक पॉइंट पे आके ये नहीं कर सकते आप, क्यों, कि भाई जो सर्वर मशीनें भी होती हैं उसके अंदर कितनी होगी, 5-6 स्लॉट होगी रैम की, 10 स्लॉट होगी, 12 स्लॉट होगी, बस इससे ज़्यादा तो नहीं होगी ना। अब मिसाल के तौर पे आपके पास जो रैम अभी अवेलेबल है वो मैक्सिमम कितने साइज़ की अवेलेबल है इस वक्त, मेरा ख्याल है वो 128 GB की रैम अवेलेबल है सिंगल रैम। लेकिन ये कि वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली होती है कि वो हम प्रेफर नहीं करते, ठीक है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करेंगे 32 GB की सिंगल रैम इस वक्त, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर देखा जाए तो हम 32 GB से ज़्यादा की रैम मैं सिंगल रैम प्रेफर नहीं करूँगा, क्योंकि वो जितने में 64 GB की आएगी ना, उतने में 32 GB की दो आके पैसे बच जाएंगे, समझ रहे हो, तो इसलिए 64 GB की सिंगल रैम मैं प्रेफर नहीं करूँगा प्राइसिंग पॉइंट ऑफ व्यू के तहत। अब मैंने लगाया 32 GB के 15 स्लॉट मैंने भर दिए, अब ओवरफ्लो होगा तो मैं क्या करूँगा, इससे आगे मैं वर्टिकल स्केलेबिलिटी नहीं कर सकता, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो प्रोसेसर है, अब प्रोसेसर मेरे पास था मिसाल के तौर पे, मेरे बोर्ड में 2 प्रोसेसर था, तो मैंने एक लगा दिया ज़ियोन का 2.5 GB लगा दिया, फिर मेरे पास ज़रूरत पड़ी तो मैंने दूसरा लगा दिया 2.5, अब दोनों स्लॉट फिल हो गए। अब और मज़ीद स्केल करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा कि इस सॉकेट के अंदर जो एक ज़ाहिर एक पिन का सॉकेट होता है, हर बोर्ड में हर प्रोसेसर नहीं लगता अगर कोई बोर्ड AMD वाला है तो उसमें AMD का ही लगेगा प्रोसेसर, तो AMD का जो बेस्ट प्रोसेसर था इस वक्त और प्राइस पॉइंट को भी नज़र में रखते हुए, वो मैंने लगा दिया 2, बस मैं पूरा हो गया। अब इससे ज़्यादा अगर मेरा जाता है ना ट्रैफिक, तो फिर मेरे लिए मसला है, ठीक है। तो आम तौर पे जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो वर्टिकल स्केलेबिलिटी को प्रेफर नहीं करती हैं, सही है, उनके पास जो मशीनें होती हैं ना वो आम सादा मशीनें होती हैं सिंपल, जिसके अंदर वो 16 GB से ज़्यादा की रैम नहीं होती उसके अंदर सिंगल रैम, सही है, इवन हो 4-4 GB की भी रैम यूज़ करते हैं, इसको कहते हैं कमोडिटी, तो वो कमोडिटी को यूज़ करते हैं। कमोडिटी वो चीज़ होती है कि जो हर जगह अवेलेबल होती है, हर तीसरा बंदा मुंह उठा के वो बना रहा होता है, ठीक है। 8 GB की रैम इस वक्त हर तीसरा बंदा, चाइना की लाखों कंपनियां होंगी जो है ना 8 GB की रैम बना रही होगी, लेकिन अगर मैं बोलूँगा यार मुझे 64 GB की रैम चाहिए, तो वो नैरो डाउन हो जाएगा, वो हर बंदा नहीं बना रहा, वो सिर्फ बड़ी कंपनीज़ बना रही हैं, जैसे कि सैमसंग वगैरह शायद, या HP बना रहा होगा, या IBM बना रहा होगा, बड़ी कंपनीज़ बना रही होंगी सिर्फ, तो ये बोलते हैं यार हमें कमोडिटी चाहिए। अच्छा, वो क्या करते हैं, इतना ज़्यादा वर्टिकली ऊंचा नहीं करते कंप्यूटर को, वो करते हैं हॉरिजॉन्टल, यानी एक कंप्यूटर आपने उठाया, 16 GB रैम, 8-8 GB की दो उसमें लगी है 16 GB रैम, और एक ज़ियोन प्रोसेसर, 2 स्लॉट 2 ज़ियोन प्रोसेसर, सही है, इस तरह की छोटी मशीन जो मतलब पाकिस्तानी
5-6 लाख तक की हो, इससे ज़्यादा बड़ी मशीन नहीं रखते। अच्छा, फिर क्या करते हैं, उसके पड़ोस में एक और मशीन लगाते हैं और इसको डालते हैं कुबरनेटीज़ के एनवायरनमेंट के ऊपर। कुबरनेटीज़ का एनवायरनमेंट क्या करता है, लोड बैलेंसिंग करता है। कुबरनेटीज़ के एनवायरनमेंट में क्या होता है, अगर मिसाल के तौर पर 200 कंप्यूटर हैं, सही ना, जैसे 200 कंप्यूटर यूँ सजे हुए हैं, अब ये आपस में क्या हुए हैं भाई, ये हॉरिजॉन्टल स्केल हुए हैं, ये वर्टिकल स्केल नहीं हुए भाई, ये क्या हुए हैं, ये हॉरिजॉन्टली स्केल हुए हैं। अच्छा, इन 200 कंप्यूटर में से किसी एक को बना देते हैं मास्टर और बाकी सबको हम बना देते हैं स्लेव। मास्टर स्लेव का ये पुराना कॉन्सेप्ट है कंप्यूटर साइंस के अंदर। और मास्टर को हम अथॉरिटी दे देते हैं कि वो क्या कर सकता है, वो एक सॉफ्टवेयर होता है कुबरनेटीज के नाम से, उसको ऑर्केस्ट्रेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, ये टर्म्स मैं बता रहा हूँ ताकि ये रिकॉर्ड पे भी आ जाएगा, बाद में भी देख सकते हैं ये टर्म्स क्या हैं। ठीक है, चाहे तो आप नोट भी कर सकते हैं। तो ये ऑर्केस्ट्रेशन सिस्टम होता है कुबरनेटीज। तो हम एक मास्टर निकालते हैं इसमें से, हम कहते हैं भाई तू मास्टर है, जो भी ट्रैफिक आएगी वो तेरे पास आएगी, तूने डिसाइड करना है कि क्या आगे करना है। अब वो मास्टर क्या करता है, वो हर कंप्यूटर को अपने हिसाब से ऑन करता है, अपने हिसाब से ऑफ करता है, जितनी ट्रैफिक आती है उतनी मशीनों को ऑन करता है, उस पर ट्रैफिक को इक्वली बैलेंस करता है। ठीक है, और इस तरह करके मामलात को चला रहा होता है। ठीक है, ये मैंने बहुत ज़रा सिंपल करके बता दिया कि एक मास्टर होता है, असल में मास्टर एक नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, और फिर मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, क्योंकि अगर एक मास्टर बनाऊंगा ना, सारा ट्रैफिक उस मास्टर पे आएगा, तो वो खुद ही ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना, उसका बैंडविड्थ ख़त्म हो जाएगा ना। हमारे पास जो इस वक्त कंप्यूटर के अंदर जो बैंडविड्थ होता है वो कितना होता है, मेरे ख्याल है 1 GBPS से ज़्यादा नहीं होता। मतलब ये जो आपके सामने CPU पड़ा हुआ है, इसके अंदर अगर मैं 1 GB का इंटरनेट लगाऊंगा ना, तो वो 1 GB पे पूरा हो जाता है। ये अगर मैं 2 GBPS का लगाऊंगा, हमारे यहाँ तो यहाँ पे 100 MBPS का लगा हुआ है ना, तो 100 MBPS तो कम है, यानी सर्वर के हिसाब से बहुत कम है। तो अगर मैं इसमें 2 GBPS का लगाऊँ ना, तो ये 1 GB लेगा, बाकी लेगा ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर गीगाबिट का जो लगा है ना, वो 1 GBPS से ऊपर सपोर्ट नहीं करता, या शायद 1.5 GBPS, डिपेंडिंग ऑन कि वो गीगाबिट का कौन सा वर्जन है। ठीक है, गीगाबिट, लेकिन वो 1 GBPS ही है नॉर्मली जो इन कंप्यूटर में होता है। तो अब वो अगर एक के ऊपर मैंने इतना ट्रैफिक दे दिया ना, तो 1 GBPS से ज़्यादा ट्रैफिक वो ले ही नहीं सकता अकेला मास्टर। तो मास्टर भी एक से ज़्यादा होते हैं, फिर मास्टर भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मास्टर की अलग होती है। एक होता है नेटवर्क वाला माल होता है, वो सारी नेटवर्क की रिक्वेस्ट इन 4 कंप्यूटरों पे आएंगी मिसाल के तौर पे, और इनसे आगे आगे डिवाइड होगी। फिर उसमें डेटाबेस वाले मॉड्यूल्स अलग होते हैं, बहरहाल। तो ये एक अलग डेप्थ है इसके अंदर। अभी ये बिल्कुल जदीद सिस्टम है कुबरनेटीज़। इससे पहले जो होता था ना, इसके लिए ये क्या करते थे, यानी वर्टिकल स्केल हॉरिजॉन्टल स्केल के लिए, इससे पहले ये करते थे कि लोड बैलेंसर का एक मॉड्यूल होता था, पाइथन पे लिखा हुआ था वो। ठीक है, वो एंजिनिक्स वगैरह और ये इस तरह के ना, उसके एंजिनिक्स लगाते थे सर्वर, और उसके साथ लगाते थे लोड बैलेंसर। ठीक है, फिर राउटर भी कुछ इस तरह के आते थे, वो भी लोड को बैलेंस करते थे। राउटर ऐसे आते थे कि उसमें एक पिन डालो ना, आगे से 4 पिन निकलती थी, तो 4 अलग अलग कंप्यूटर में ट्रैफिक दे रही होती थी। तो इस तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर लेवल पे दोनों पे मौजूद थे, लेकिन उसको इन्होंने, उसमें मेंटेनेंस बहुत है, उसके अंदर देखभाल बहुत करनी पड़ती है, बंदा 24 घंटे बैठाना पड़ता है, डाउन टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कुबरनेटीज़ जो है ना, ये टोटली सॉफ्टवेयर लेवल पे होता है, इसमें हार्डवेयर लेवल का कोई सीन नहीं है। तो वही कंप्यूटर जो एज अ सर्वर यूज़ हो रहे हैं, वही एज अ लोड बैलेंसर भी यूज़ हो रहे होते हैं। तो अभी जितनी भी इस वक्त जायंट्स हैं, जितने भी AWS, गूगल, IBM, ये सारे के सारे कुबरनेटीज़ को चलाते हैं। ठीक है, कुबरनेटीज़ जो है वो गूगल ने खुद बनाया था अपने लिए और बाद में उसको पब्लिक कर दिया। इस वक्त जो है वो कुबरनेटीज़ का जो कम्युनिटी वर्जन है वो फ्री में अवेलेबल है, और जो एंटरप्राइज़ वर्जन है वो कुछ पैसे हैं उसके, लेकिन है अवेलेबल। तो जितने भी ये सारे हैं ना, वो सब कुबरनेटीज़ चलाते हैं बिहाइंड द सीन। हमने जो गूगल ऐप इंजन के ऊपर अपनी ऐप को डिप्लॉय किया था, एक्सप्रेस की ऐप को, तो वो असल में वहाँ जहाँ पे गई थी ना हमारी ऐप, हमें तो नहीं पता लगा, लेकिन वहाँ पे असल में वो कुबरनेटीज़ का एनवायरनमेंट है। जब हम अपनी ऐप भेजते हैं, वो हमारी ऐप को उठाता है, किसी एक कंप्यूटर पर डिप्लॉय मारता है। अच्छा, जो मैंने बताया ना कि 200 कंप्यूटर पड़े हुए हैं, एक मास्टर है, उसको ये कंप्यूटर नहीं कहते, उसको ये कहते हैं पॉड्स। क्या कहते हैं उसको? पॉड्स कहते हैं। तो 200 पॉड्स हैं, जिनमें से एक पॉड जो है मास्टर पॉड है, बाकी वो स्लेव है, फिर वो अलग अलग पॉड है। ठीक है, इसकी अब पूरी डेप्थ है, पूरी स्टोरी है इसकी, लंबी स्टोरी है पूरी। ये मैंने आपको सरफेस लेवल का डेटा दिया है, जो एज अ डेवलपर आपको पता होना चाहिए, आपकी नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, ये सरफेस लेवल का डेटा है बिल्कुल। अच्छा जी, तो हमारे पास जो है ना भाई, मसला ये अब आ चुका है। क्या मसला आ चुका है हमारे पास, कि भाई सेट टेम्प जब मैं करता हूँ ना, तो ये थोड़ी देर में चेंज करता है, और मुझे वो थोड़ी देर का पता नहीं लग रहा, क्या वो थोड़ी देर कितनी देर है। मैं साइड टाइम आउट लगाता हूँ तो उससे मेरा शायद मसला हल हो जाए, लेकिन वो मैं करूँगा नहीं, क्योंकि मेरी स्केलेबिलिटी हर्ट हो रही है उससे। तो मेरे पास एक यहाँ पे तरीका मौजूद है, वो कहता है कि भाई आप इसमें क्या करो, सेट टेम्प को ना इस तरह कॉल नहीं करो। ये हमें रिएक्ट वालों ने खुद बना के दिया है। ठीक है, सेट टेम्प, और इसके अंदर आप दो एक अदद कॉल बैक, सही है, कॉल बैक दो आप इसके अंदर एक।
अच्छा इस कॉल बैक में ना आपको यहाँ पे मिलेगा प्रीवियस वैल्यू मिलेगी, जो भी है जो भी प्रीवियस वैल्यू है वो मिलेगी मुझे यहाँ। अच्छा और मैं यहाँ पे रिटर्न कॉल करूँगा जब, अच्छा यहाँ पे मैं कोई भी लॉजिक लगाना चाहूँ ना तो मैं लगा सकता हूँ, सही है। अगर मैं इसमें कोई लॉजिक लगाना चाहूँ ना, अच्छा जी प्रीवियस वैल्यू मुझे मिली है इसमें फला फला चीज़ चेक करो और कंडीशनली मिसाल के तौर पर रिटर्न करो कि अगर अगर इसके अंदर फला वैल्यू ये है तो ये रिटर्न करो, अगर फला वैल्यू ये है तो कुछ और रिटर्न करो, तो मैं यहाँ पे पूरी लॉजिक भी लगा सकता हूँ ठीक है। लेकिन फिलहाल मुझे मेरे पास कोई लॉजिक ऐसी नहीं है अभी, ये लॉजिक इंशाल्लाह हम लगाएंगे जब हमारे पास वो आएगा ना, जब हम API कॉल्स वगैरह भी कनेक्ट करेंगे इससे, जब चैट ऐप बनाएंगे तो हमें ये काम करने की ज़रूरत फिर पड़ेगी, वहाँ पर सिचुएशन आ जाएगी। अच्छा मैं क्या करूँगा, मुझे प्रीवियस के अंदर क्या मिल रहा है इस वक्त, पहली क्लिक पर मुझे 72 मिलेगा जो कि इस वक्त मैं वैल्यू मौजूद है, और मैं क्या करूँगा माइनस कर दूँगा 1 ठीक है। ये अच्छा मेरा जो इस वक्त मेरा जो इस वक्त सिचुएशन है ना कि एक प्लस पे एक ही प्लस होता है उस पर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये भी एक टूल मौजूद है और ये कब इस्तेमाल होता है, जब आपको ये एसिंक्रोनस बिहेवियर को ना हैंडल करना हो अच्छे से ठीक है। अगर मुझे सिंगल प्लस मारना है तो उसके लिए मुझे एसिंक्रोनस बिहेवियर को हैंडल करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो एक दफ़ा क्लिक होता है एक दफ़ा बढ़ जाता है दैट्स इट। अब जब ह्यूमनली जब मैं सेकंड टाइम क्लिक करूँगा ना तो वो कुछ सेकंड बाद ही करता हूँ, ह्यूमनली ये पॉसिबल नहीं है कि मैं एक सेकंड यानी एक ही मिली सेकंड में दो दफ़ा क्लिक कर दूँ, ह्यूमनली ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो वो थोड़ी देर बाद ही ह्यूमनली क्लिक करूँगा तो उसमें मुझे कोई ज़रूरत नहीं ऐसा करने की। लेकिन ये जस्ट मैंने आपको क्या दिया है, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है कि कुछ जगहों पर ऐसा होगा कि आप ये लगा रहे होंगे और ये काम नहीं कर रहा होगा, तो फिर आपने लगाना है ये वाला सेकंड वाला, प्रीवियस वैल्यू मिलेगी माइनस वन मैंने कॉल किया, इसका बिहेवियर बिल्कुल सेम होगा अभी, सही है सिंगल, ये लो माइनस का बटन दबाया एक माइनस हुआ दो तीन चार, लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है कि अगर इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ मैं ठीक है, इसको मैं अगर डुप्लीकेट कर देता हूँ तो ये अलग माइनस मारेगा ये अलग माइनस मारेगा, ये दो दफ़ा माइनस होगा अब ठीक है, माइनस दो दफ़ा हो रहा है अब ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब मेरा कोड चला है ना सीधा तो ये भी चला है और ये भी चला है, ये यक के बाद दिख रहे ये दोनों चले हैं, लेकिन इसके अंदर का जो कॉल बैक है ना वो रिएक्ट ने अपनी मर्ज़ी से चलाया है, एक का पहले दूसरे का बाद में ठीक है। और जब इसका कॉल बैक चला है ना पहली दफ़ा तो इसको प्रीवियस में जो वैल्यू थी वही मिली है, और इस कॉल बैक के ख़त्म होने के बाद वो वैल्यू चेंज हो चुकी थी, जब अगले वाले का कॉल बैक चला है तो इसके अंदर जो वैल्यू है ना वो माइनस हुई हुई वैल्यू मिली है मुझे, समझ रहे हो। तो ये मेरे पास एक तरीका मौजूद है जिसके ज़रिए मैं क्या करता हूँ एसिंक्रोनस जो सिचुएशंस हैं उसको हैंडल करता हूँ। अच्छा यही काम में जो है वो प्लस में भी कर सकता हूँ, सेम टू सेम, सही है। इस प्लस वाले को मैंने रोका और यहाँ पे मैंने कहा कि यार प्लस ठीक है, यही सेम काम मैं प्लस वाले में भी कर सकता हूँ। देखो दोबारा समझा रहा हूँ क्या मैंने बोला था, देखो ये जो कोड है ना इतना ये चल गया और ये भी चल गया, कॉल बैक अभी दोनों के नहीं चला, कॉल बैक अभी दोनों में से किसी का भी नहीं चला। अब रिएक्ट के पास ये पहुँच गया है चलने के बाद, रिएक्ट जो है ना इसमें से पहले वाले का कॉल बैक पहले चलाएगा, इसका रिटर्न कॉल हो जाएगा जब, उसके बाद दूसरे वाले को चलाएगा यहाँ वाले को, सही है। अच्छा तो ये जी हमारा क्या हो गया, एसिंक्रोनस वाला कॉल बैक हमारा हैंडल हो गया। अच्छा अब हमें लास्ट हमारे पास क्या था कि जी ऑब्जेक्ट अगर हो तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे, आ जाते हैं ज़रा आर्टिकल में हम देख लेते हैं यहाँ पे कोई और चीज़ तो नहीं है ऐसी जो हमने मिस की हुई है। अच्छा मेरा ख्याल है ऑब्जेक्ट का जो स्टेट चेंज है ना वो हम देख लेंगे चैट ऐप बनाते हुए, क्योंकि चैट ऐप के अंदर उसकी अच्छी सिचुएशन बनेगी, चैट ऐप के अंदर उसकी अच्छी सिचुएशन बनेगी। अभी हम क्या करते हैं एक नई ऐप बना के उसका ये फैच वाला कर लेते हैं और एक वेदर ऐप बना लेते हैं छोटी सी, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट स्टेट बहुत हो गया अभी, एक छोटी सी हम वेदर ऐप बना लेते हैं और उसके बाद हम जो है ना फिर वो यानी इस फ्लो के साथ चलते हैं जो आर्टिकल का फ्लो है ना उसके साथ चलते हैं ठीक है। चलो इस रिकॉर्डिंग को एंड कर देते हैं यहाँ।